अगर आप भी दिवाली में मिठाई और स्नैक्स खाकर बोर हो गए हैं तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ सुपर टेस्टी, हेल्दी और सबसे कम समय में बनने वाला ब्रेकफास्ट, वेजिटेबल पोहा। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपनी रसोई वेज एंड स्पाइस। एक बार अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो बार बार इसे आपको ऐसे ही बनाने का और खाने का मन करेगा। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक पैन में 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाला है। हम तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। इसके बाद हमने इसमें डाला है 1 टीस्पून राई। राई को चटकने देंगे और इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरे को भी अच्छे से होने देंगे। अगर आप मिर्च खाते हो तो इसमें 2 हरी मिर्च भी डाल दीजिएगा। अब हम डालेंगे 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकने देंगे। आंच को धीमा रखेंगे और थोड़ी देर चलाते हुए इसे पकने देंगे। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा अब हम इसमें मसाले डालेंगे। इसके लिए हम डालेंगे 1 टीस्पून सब्जी मसाला, जो मसाला आप सब्जी में डालते हो, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी आलू बारीक कटा हुआ। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आंच को हमें धीमा ही रखना है। इस तरीके से हम इसमें मिक्स करेंगे और इसमें अब हमने डाला है एक छोटी कटोरी फूल गोभी। गोभी को हम बारीक काट के धुल के अच्छे से फिर इसमें डालेंगे। आप और भी कोई भी सब्जी खाते हो तो इसमें अपने मनपसंद कोई भी सब्जी आप डाल सकते हैं, जैसे बीन्स डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं। इसके बाद हम 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक रख सकते हैं। इसे हम खूब अच्छे से चलाएंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसे ढककर पकने देंगे। 5 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसे फिर से चलाएंगे। इस तरीके से हम इसे चलाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 बाउल फ्रोजन मटर। अगर आप कच्चा मटर यूज कर रहे हैं, फ्रेश वाला मटर यूज कर रहे हैं, तो आप आलू के साथ ही मटर डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ मटर भी डाल दिया है। अब हम इस सारे सब्जी को अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हमने धीमा ही रखना है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी लगभग 1/2 कटोरी या फिर उससे भी कम डालेंगे। ये देखिए इतना पानी काफ़ी है। बस सब्जी के पकने तक का पानी डालेंगे। हम ढक के सब्जी को पकने देंगे थोड़ी देर धीमी आंच पे। अब हम 2 कटोरी पोहा लेंगे। इसे अच्छे से धुल के साफ कर लेंगे। अब हम अपना सब्जी देखेंगे। इस तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे। थोड़ा सा चेक करेंगे अगर हमारा आलू और मटर पक गया है। ये देखिए हमारा आलू पक गया है। अब हम इसमें पोहे को डाल देंगे। इस तरीके से हमें पोहा डाल देना है इसमें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और इस रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम इसे मिक्स करके थोड़ी देर ढक के रख देंगे। थोड़ी देर बाद हम ढक्कन उठाएंगे और इसमें 1/2 नींबू डालेंगे। अगर आप खट्टा ज़्यादा खाते हो तो 1 नींबू डाल सकते हैं। अगर आप खट्टा कम पसंद करते हैं तो 1/2 नींबू काफ़ी रहेगा। इसमें हरा धनिया डालेंगे। अब डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। देसी घी आप ज़रूर डालिएगा, इससे बड़ा अच्छा ही फ्लेवर आएगा। इस तरीके से आप अगर पोहा बनाएंगे तो पूरी सर्दी आप इसी का ब्रेकफास्ट करेंगे, ऐसे ही पोहा बना के खाएंगे। ये देखिए खिला खिला एक एक दाना निखरा हुआ पोहा रेडी है। अब हम गैस को बंद करेंगे और थोड़ी देर इसे ढक के छोड़ देंगे ऐसे ही। अब आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो इसे हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा पोहा तैयार है। एकदम कम समय में और सबसे टेस्टी, सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट रेडी है।